नचिकेता। एक बार की बात है, ऋषि वादिश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गायों का दान किया, परंतु वे गायें इतनी बूढ़ी और निर्मल थी कि उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। नचिकेता अपने पिता के इस दिखावे के दान और कृपणता से बहुत खिन्न था। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, दक्षिण में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपका प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे किसको दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं? वार्षवा ने एक दो बार उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, परंतु बार बार पूछने पर वे झुंझला उठे। जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। बहुत अच्छा पिताजी, अब मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। वार्षवा को लगा कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था। नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर यमलोक के लिए रवाना हो गया। नचिकेता जब यमलोक पहुंचा, तब यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिनों तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। यमराज जब लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को द्वार पर खड़ा देखा। उन्होंने नचिकेता से आने का प्रायोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कहानी सुनाकर आने का कारण बताया। नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े हो, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं तुम्हारे चित्रभक्ति और उदार विचारों से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए। ऐसा ही होगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता अपना सारा क्रोध भूलकर तुम्हें गले लगाएंगे। अब दूसरा वर मांगो। हे देव, मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताइए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा सुनकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियाँ समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। अब तीसरा वर मांगो। भगवान, कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। उन्हें ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वत्स, तुम अभी बालक हो, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए हैं, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए। यमराज ने नचिकेता को कई प्रलोभन दिए, पर वह आत्मा का रहस्य जानने पर अड़ा रहा। अंत में प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है, वह अजर अमर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है, परंतु उसे हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह निर्गुण और निराकार है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वत्स, आत्मा का ज्ञान बहुत दूर विषय है, और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए पुत्र, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने यमराज के उपदेशों को समझकर उन पर आचरण किया। वह बड़ा होकर महान विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना।